नमस्कार, मैं हूं साधना सिंह और आप देख रहे हैं IBN 9 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। दुलकोट में मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के कियोस्क संचालक संतोष महाजन द्वारा उपभोक्ताओं को कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए जागरूक किया जा रहा है। संतोष महाजन दुलकोट में कियोस्क सेंटर का संचालन करते हैं। इस कियोस्क सेंटर पर प्रधानमंत्री जनधन योजना, वृद्धा पेंशन सहित शासन की विभिन्न प्रकार की योजनाओं की राशि निकाली जाती है, जिसके चलते कियोस्क सेंटर रोजाना काफी भीड़ लगी रहती है। कियोस्क सेंटर संचालक द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु उपभोक्ताओं को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत उपभोक्ताओं को गोले बनाकर खड़ा किया गया है तथा सभी लोगों के हाथ सैनिटाइजर से धुलवाया जा रहा है एवं ग्रामीण को जागरूक करते हुए बताया जा रहा है कि आप सभी लोग घर पर ही रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और भीड़ में न जाएं। हमारा यहाँ पर इस समय मैं बैंक बीसी हूँ संतोष महाजन और नर्मदा मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का संचालित करता हूँ। तो शासन द्वारा जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और अभी जो गैस मिली हुई है उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, उन लोगों के जो पैसे आ रहे हैं और साथ ही किसानों की जो सम्मान निधि है वो शासन द्वारा जो जमा की गई है खातों में, जनधन खातों में 500 रुपये भी जमा किए गए हैं उन महिलाओं के, तो उन सबको हम लोग यहाँ पर डेली पैसा बांट रहे हैं। और इसमें हम पूरी जागरूकता के साथ कार्य कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार का संक्रमण ना हो, इसलिए सैनिटाइज वगैरह रखे हुए हैं, बाहर हाथ हाथ धुलाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग पूरी मेंटेन करके रख रहे हैं। आप देख सकते हैं इस चीज़ को, और मैंने अपने आप को भी सैनिटाइज करके रखा है, पूरा आइसोलेटेड करके रखा हुआ है, बीच में पर्दा लगा के रखा है ताकि किसी भी प्रकार का संक्रमण ना हो। बीच में सभी लोगों को जागरूक भी करते जा रहे हैं कि एक दूसरे से दूरी बना के रखें, भीड़ भाड़ ना करें और अपने घरों में ही जहाँ तक संभव हो तो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ IBN 9 न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ साधना सिंह।